कलयुगी चाचा ने अपनी 5 वर्षीय मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना डाला और रिश्ते को तार तार कर दिया। नगर शाहबाद के एक मोहल्ले में रविवार दोपहर को एक 5 वर्षीय मासूम खेल रही थी, जिस पर उसका रिश्ते का चाचा उसे बहला फुसला कर सुनसान मकान में ले गया, जहां पर उसने रिश्तों को तार तार करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। जब मासूम बच्ची की चीख सुनी तो बराबर में माता पिता की आवाज कानों में जा पहुंची, जिस पर माता पिता दौड़े तो देखा आरोपी कलयुगी चाचा बच्ची के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था, जिसके बाद वो आरोपी माता पिता को देखकर और बच्ची को बदहवास हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद माता पिता लालताल हो गए और आरोपी युवक की तलाश में निकले, लेकिन आरोपी युवक मौका पाकर पहले ही फरार हो चुका था। जिसके बाद कोतवाली शाहबाद में दोनों माता पिता पीड़ित मासूम बच्ची को लेकर पहुंचे, जहां पर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में मेडिकल के लिए मासूम को भेजा और तहरीर के आधार पर आरोपी कलयुगी चाचा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 376 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जिसके बाद सीओ धर्म सिंह मार्शल और कोतवाल नरेंद्र त्यागी घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंचे, जिसके बाद नगर में ऐसी घटना की चर्चा लगातार चल रही है और रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना से हर किसी का मन दुखी है। ऐसा था, मैं तो घर पे ही थी और मुझे नहीं पता मेरी लड़की कितने देर की घर से बाहर निकल गई। वो निकल जाती है, खेलती है, कूदती है, सब बात। अब पता नहीं महेंद्र ने कितने टाइम घर में बंद कर ली, बराबर से घर है मेरा। उसके बाद मेरी लड़की रोते हुए घर पर आई, उसने अपने गेट पर से छोड़ दी, वो घर पर आ गई, बराबर में ही घर है मेरा। उसके बाद वो रोते हुए आई, मैंने पूछी क्या हुआ तो उसने डायरेक्ट यही बोली, मम्मी महेंद्र ने मेरे खून निकाल दिए। फिर मैंने पूछा कहाँ पर, मैंने उसे देखा, मैं इसको छोड़कर महेंद्र को ढूंढने लग गई, वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरी लड़की के साथ में उसने बहुत गलत करा है। अरे 4 साल की लड़की है। थाने गई थी? थाने गई थी। अब रिपोर्ट अपोर्ट तो करिए, साथ में भी आई हुई है मैडम। हाँ, तो ये महेंद्र कौन है? महेंद्र मेरा देवर लगता है, तहेरा। तहेरा, हाँ। बाप का क्या नाम है? उसके पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कहा, उनने तो कही थी कि हाँ हम ढूंढेंगे, अगर वो ढूंढ ले, ढूंढ के मेरे सामने उसे अगर फांसी हो जाए, मैं तो जब ही मानूंगी कहाँ उसे कुछ हुआ, और अगर कुछ नहीं हुआ तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसे, मैं भी तो अपनी बच्ची को बदला ले सकती हूँ। हाँ, इस संबंध में करीब सूचना प्राप्त हुई है और उसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन है रेप करने वाला आरोपी? रेप जिसका, ये जो पीड़िता है बच्ची, उसी का चाचा है। कितने वर्ष की बच्ची है सर? 5 वर्ष की बच्ची है, शायद घटना है। सर, इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हो गया, कार्रवाई की जा रही है।